गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो चलो आज बनाते हैं न्यू DIY क्राफ्ट। तो आज के DIY में होने वाले बहुत मस्ती, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूछूंगी बहुत एक रिडल्स जो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा कमेंट में। तो सिंपल है, मैं इसका आपको मेथड बता देती हूँ। क्या करना है, बॉक्स लेना है, बॉक्स को कट करना है, और आप कोई भी साइज़ का बॉक्स ले सकते हो, और उसको दो बड़ी स्टिक लेनी है, बीच में सारी इक्वल स्टिक्स लगा देना ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है। सारी साइड्स पर लगा देनी है कटी हुई स्टिक्स, बीच में और साइड में बड़ी बड़ी, ठीक है। तो सिंपल, जैसे क्योंकि नीचे स्टैंड बन जाएगा, अच्छा लगेगा, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको स्टिक करते जाना है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ होती है एक्साइटमेंट भर के और एंटरटेनमेंट भर के। तो यहाँ पर मैंने पूरे बॉक्स पे स्टिक कर दी है, और अब इस पर बारी है पेंट करने की। तो मैं यहाँ पे पेंट कर दूँगी ब्राउन कलर का, क्योंकि आपने देखा होगा पेन स्टैंड ब्राउन वाला, ब्राउन कलर का ही होता है, मतलब लकड़ी कलर टाइप का होता है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं लकड़ी वाला कलर ना पाऊँ, मतलब है तो ये लकड़ी ही बट स्किन कलर की, हमें ब्राउन कलर करना था, तो मैंने सोची पूरे पे मैंने कलर कर देंगे, ठीक है। और ये हम आज बनाने वाले हैं पेन स्टैंड। आपको देख के पता ही चल गया होगा क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने पेन स्टैंड, आपको लग रहा होगा। वैसे स्टार्टिंग में आपको पता चल गया होगा या नहीं पता चला होगा, जल्दी से कमेंट में बता देना। तो रिडल है, विच वॉज द कोल्डेस्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आप ज़रूर से कमेंट में बता देना कि आंसर क्या है, विच वॉज द कोल्डेस्ट अल्फ़ाबेट, और कमेंट में आंसर ज़रूर से बता देना। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगा दिए, मतलब फ्लावर्स की ड्रॉ कर देंगे हम। आप चाहो तो कोई भी चीज़ अच्छी सी जो उस पर अच्छी लगी है वो ड्रॉ कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना, जिससे हमारी वीडियो और भी ज़्यादा कंटेंट्स में आए, और आप और भी ज़्यादा लोगों को शेयर कर पाए। तो यहाँ पे मैंने पूरे उस पर मतलब ऐसी फ्लावर ही बना दूंगी, और आप कोई भी आइडिया से इसको डेकोरेट कर सकते हो, मतलब लीव बना सकते हो, मिरर से डेकोरेट कर सकते हो, पेंट जैसे भी लगाओ, मर्जी आपकी, आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हो। तो आप जैसे मैं डेकोरेट कर रहे हैं आप वैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, एज यू विश वैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरे में फ्लावर बना देंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि वाइट ब्राउन पे अच्छा लगता है। फिर पूरे पे फ्लावर बनाने के बाद जाएगा, और आप बताना ज़रूर कि एंड में कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो और ऐसे DIYs देखने के लिए, और भी DIY आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मस्त मस्त, तो आप इसको आप पूरे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, जैसा भी आप डेकोरेट करना चाहते हो। तो मैं जैसे डेकोरेट कर रही हूँ, मर्जी आपकी, आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। आप चाहो तो इसका न्यू मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको बिना बॉक्स की बना सकते हो, बट बिना बॉक्स की बनाओगे तो थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, बट बॉक्स से बनाओगे तो स्टेबल बहुत अच्छे रहेगा, और आपको अंदर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, कार्डबोर्ड का बॉक्स पे स्टिक कर दो, बहुत मस्त से वो बन जाएगा। आप हर जगह इसको पूरे में डेकोरेट कर देना है, एज यू विश आप कैसे भी डेकोरेट करना चाहते हो पूरे में डेकोरेट कर देना, ठीक है। तो मैंने डेकोरेट करके हो गया, तो मैंने सोचा जब मिरर से भी कुछ वर्क कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में ना इसके मिरर्स लगा दिए, आप कोई से भी शेप के मिरर्स लगा सकते हो। मैंने मतलब इसे सूट करते हुए ट्रेंगल शेप के मिरर्स लगा दिए थे। तो ये बन गए हमारा पेन स्टैंड, इसमें रख लेंगे कुछ स्केचेस, पेन्स, और सब बिखरा बिखरा सा रहता है, तो ये मेरा बहुत कम आएगा, तो आपके भी बहुत कम आएगा। आप बताना आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।